डायबिटीज एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। जिस तरह का आजकल लाइफस्टाइल हो गया है उसमें डायबिटीज बहुत तेजी से अपनी पकड़ बना रहा है। डायबिटीज से एक एबनॉर्मल सिम्टम है बदन खराब होने का, और ये बहुत सारे रोग का लक्षण है, कोई स्पेशल डिजीज है नहीं, उसी में कोई डरने का बात है नहीं। और डायबिटीज आपका क्यूरेबल है, नॉर्मल कर सकते हैं 5-6 रोज में, कितना भी बढ़े। पेशेंट लोगों को देखा हो कि 500-600 तक फास्टिंग हो गया था, फास्टिंग भी, और पता चला तो तुरंत उसको डेलीटोन लाइफ में बैलेंस किया। उसका जो पेशेंट था 576 का, उनका एसिड हो गया था, अल्कालिन फॉस्फेट एकदम हाई हो गया था। डायबिटीज के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रहा है। यह रोग भारतीय लोगों के बीच अब काफी आम हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 3.5 करोड़ डायबिटीज के मरीज हैं, और 2030 तक इनकी संख्या 100% की दर से बढ़कर लगभग 8 करोड़ तक पहुंच सकती है। डायबिटीज एक लक्षण है और एक सिंबल है कि बदन में कोई पार्ट या हार्मोन में इंबैलेंस का सिंबल है। ये डायबिटीज मेटाबॉलिक बीमारियों का एक समूह है जिसमें खून में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। ऐसा तब होता है जब शरीर में इंसुलिन ठीक से ना बने या शरीर की कोशिकाओं इंसुलिन के लिए ठीक से प्रतिक्रिया ना दे। डायबिटीज के कारण इंसुलिन के कम निर्माण से रक्त में शुगर अधिक हो जाती है, क्योंकि शारीरिक ऊर्जा कम होने से रक्त में शुगर जमा होती चली जाती है, जिससे कि इसका निष्कासन मूत्र के जरिए होता है। इसी कारण डायबिटीज रोगी को बार बार पेशाब आता है। डायबिटीज का कारण आपका हार्मोन सिक्रेशन इंबैलेंस होगा, ठीक से ढंग से नहीं हो पाएगा, और वो हार्मोन इंसुलिन है। उसका कारण आया कि हार्मोन तो सिक्रेशन ब्रेन से होता है, और ब्रेन में हमारा सोच के ऊपर फिजिकल और मेंटल बोथ दोनों कंपेयर करके ही होता है। जैसा एनवायरमेंटल, हम जहां पे बैठे हुए हैं और वहां पे सडन चेंज आया, कहीं साउंड एक्ट आया और डर के मारे तो ब्रेन को स्ट्राइक करता है, उसमें डर के मारे भी डायबिटीज हो रहा है जैसा। और एक है, ये हार्मोन को इंबैलेंस करा देता है तुरंत मेंटल शॉक से। जैसा आया कि आपका कहीं जा रहे हैं रास्ते में और तुरंत एक्सीडेंट हो गया, कहीं देखा नहीं है, घबराहट, ब्लड देख के बहुत सारे घबरा आ जाते हैं, ये हो गया एक तो। और आज का दुनिया में, सोसाइटी में आम बात है कि बदनाम, कोई चैन से रह नहीं पा रहे, दोस्त लोग अननेसेसरी बदनाम कर रहे हैं, वो भी स्ट्राइक आता है ब्रेन में, वो ब्रेन को स्ट्राइक करता है, फिर हो रहा है। ये मेन कारण है। उसको सपोर्ट करने वाला कारण, जैसा फिजिकल लेबर नहीं हो रहा है, और आपका इंडाइजेस्टेड फूड, हम जो खाना खा रहे हैं, खाना हजम नहीं हुआ फिर खाना खा रहे हैं, भूख नहीं लग रहा है तो भी खाना खा रहे हैं, टाटस में खाना खा रहे हैं, ये हो गया तीसरा। चौथा आ गया हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स वंशानुक्रमिक, जो पिताजी माताजी का है उसी से फिर ये आ रहा है डायबिटीज। और एक चौथा, पांचवा हुआ, बहुत कॉमन चीज है कि हड़बड़ा के खाना खा रहे हैं, सब व्यस्त है आज सोसाइटी में, तो हड़बड़ा के खाना खा रहे हैं, हड़बड़ा के खाना खाए तुरंत पानी पी रहे हैं, उसमें क्या होता है ना कि, और फिर एक है कि 12-1 वर्ष तक भूखा रह जा रहे हैं महीना भर, उसके बाद खाना खा रहे हैं हड़बड़ा के और पानी पी रहे हैं जो एसिड को डायल्यूट कर देता है, उसी में बार बार होने के बाद पेनकासिस हमारा वीक हो रहा है, और पानी पीने के बाद इंडाइजेशन एसिड डायल्यूट होकर डाइजेस्टिव कर नहीं पा रहा है। ये पांचवा कारण हुआ। आपका टॉक्सिन, आज चारों जो बैक्टीरिया वायरस फंगल हो सोसाइटी हो, डायर से जो मिल रहा पेस्टिसाइड फर्टिलाइज, ये सब हमारा टॉक्सिन बढ़ रहा है बदन में, और इम्यून कैपेसिटी घट रहा है, ये दोनों में जो इम्बेलेंस हो रहा है, ये लास्ट टॉक्सिन जाके ब्रेन को स्ट्राइक कर रहा है, एसिड हो रहा है, एसिड आज 85% पेशेंट है, और डायबिटीज से 80% पेशेंट डायबिटीज में अफेक्टेड होने जा रहे हैं या हो गए हैं ऑलरेडी सोसाइटी। सिक्स नंबर कारण हुआ कि दवाई तो हर आदमी को, भाई लोगों को अभी लेना पड़ रहा है, जिंदा रह रहे हैं तो उसमें दवाई का कुछ कुछ रिएक्शन आ रहा है, वो भी एक है।
अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिया गया लाल बटन को क्लिक कीजिए, बेल बटन को जरूर क्लिक कीजिए, इससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। इस तरह अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए। डायबिटीज 2 टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। और टाइप 1 तो कोई सडन एक्सीडेंटली हो गया, टाइप 2 जेनेटिक होता है और डिजीज होता है। डायबिटीज के होने के कारण मुख्य कारण आनुवंशिक भी होता है। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य, माँ बाप, भाई बहन में से किसी को भी हो तो भविष्य में आपको भी डायबिटीज होने का आशंका बढ़ जाती है। जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं उन्हें भी डायबिटीज होने का ज्यादा खतरा रहता है। आपका वजन बहुत बढ़ा हुआ है तो आपका बीपी बहुत हाई है और कोलेस्ट्रॉल भी संतुलित नहीं है तो भी आपको डायबिटीज हो सकता है। अगर आप गंभीर रूप से या काफी समय से मधुमेह से पीड़ित हैं तो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई कदम ना उठाएं। डायबिटीज तो इंसुलिन इंबैलेंस होने का लक्षण है, एक सिम्टम है। और इंसुलिन एक हार्मोन है और हार्मोन ब्रेन से सिक्रेशन होता है। दैट मींस ये हमारा मेंटल डिजीज है पहला और फर्स्ट और लास्ट। तो डायबिटीज गंभीर है सोचेंगे तो गंभीर है, और डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, चुटकुला है तो सोचेंगे चुटकुला है भाई, और हंसी से बड़ा दवाई कुछ है नहीं। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज के शुरुआत लक्षण है तो बचाव के लिए वह कुछ तरीकों को आजमा सकता है। डायबिटीज का एक कारण चिंता या तनाव भी होता है, इसलिए जितना हो सके उतना तनाव न लें। इसके लिए आप एक्सरसाइज या मेडिटेशन भी कर सकते हैं, अच्छी नींद लें, साथ ही अपने वजन को कंट्रोल में रखें, जितना हो सके उतने बैलेंस डाइट खाएं, ज्यादा मीठी चीज या फैट वाले भोजन काफी कम खाएं, साथ ही मीठी फलों और जूसों से भी परहेज करें। डायबिटीज के रोगियों को कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम और मंडुकासन करने का सलाह दी जाती है। अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो अपने पैरों को हिफाजत करें, चोट से बचाव के लिए नंगे पैर ना चलें, साथ ही अगर चोट लगे तो नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे स्थिति में इन्फेक्शन फैलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। डायबिटीज के रोगी नियमित रूप से अपने शुगर लेवल को जांच करवाएं, साथ ही पैरों से सूत्रपन आने की चेतावनी के रूप में लें। बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें। बस तो ओनली क्रोनिक मॉडर्न वर्ल्ड से, मॉडर्न सोसाइटी से लौटे हुए पेशेंट आते हैं और घबराहट होके आते हैं, और डायबिटीज होने के बाद और बहुत सारे बीमारी भी लेके आते हैं फेलियर में, लास्ट स्टेज में, चाहे कोई पे भी डॉक्टर बोल देने के बाद। और डायबिटीज हमारे लिए एक सिम्टम है।